कला और मनोरंजन की एक बेमिसाल और जीती जागती दुनिया सर्कस आज न जाने कहां खो गई है। अलग अलग कलाबाजी के माहिर कलाकार लोकप्रियता के मामले में विलुप्त होते नजर आ रहे हैं। प्रबल इच्छा शक्ति, विलक्षण मानसिक बल और बलवान शरीर के ये कलाकार काबिले तारीफ और सराहनीय हैं। एक वक्त ऐसा भी हुआ करता था जब हम सब हर साल सर्कस का बेसब्री से इंतजार करते थे। रात को घूमती हुई वो अनोखी फोकस लाइट शहर के कोने कोने में दिखाई देती थी तो बच्चों का मन मचल उठता था और बड़े भी अनायास खींचे चले आते थे। लेकिन अब वो रोशनी न जाने कहां गुम होती जा रही है। कलाबाजी के माहिर ये बाजीगर अपने लाजवाब खेल को इतनी बारीकी से निभाते हैं कि देखने वालों की सांसें पल भर के लिए थम जाती हैं। कड़ी मेहनत और अनुशासन के रास्ते ये कलाबाज सीधे लोगों के दिल तक पहुंच जाते हैं। हैरत और हंसी के पंख फैलाकर ये कलाबाज अपने दर्शकों को मनोरंजन के आसमान पर तो ले जाते हैं, पर उनके चेहरों की हंसी और आंखों में वह उत्साह धुंधला होता नजर आता है। और इसी नजरिए ने हमें उनके जुनून के पीछे छिपी सच्चाई को बयां करने की प्रेरणा दी। सर्कस, अपोलो सर्कस, जो इसमें पहले शाहरुख खान का सर्कस सीरियल बना, वो पुराना सर्कस है। कई पिक्चरों की शूटिंग भी इसी सर्कस में हुई और इसको चलते हुए हमारी समझ से 60-65 साल से ऊपर हो गया। सर्कस एक ऐसी चीज़ है कि कला है, कला को सभी देखेंगे, इसमें कुछ भी गलत नहीं। और सर्कस एक ऐसा मनोरंजन का साधन है जो पूरे स्वच्छ मनोरंजन, मतलब 20 फैमिली एक साथ बैठ के देख सकते हैं। सर्कस हमेशा नहीं आता, मूवी तो हमेशा है, इसलिए सर्कस देखने के लिए जरूर लोग आते हैं और अभी भी इसकी इमेज बनी हुई है। इनकी असाधारण प्रतिभा की चमक से दर्शक चकित रह जाते हैं। पशुओं पर गजब का नियंत्रण उनके खेल को चार चांद लगा देता है। ये बात अलग है कि कुछ जानवरों पर पाबंदी लगने के बाद भी इनके उत्साह और उद्देश्य पर कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है। सर्कस में बदलाव इस तरह का आया, जैसे हमारे जो लाइन वगैरह गए हैं, ठीक, उससे कुछ फर्क पड़ा कि लोग अब ये भूल गए कि सर्कस में शेर होते थे, भूल गए। लेकिन क्या इन जानवरों और कलाबाजों को ऐसे खतरनाक प्रदर्शन दिखाने के लिए पर्याप्त खान पान, रहन सहन, देखभाल और उचित वेतन मिलता है? दिस अक्रोबैट्स इज वेरी रिस्क जॉब, इज दैट्स व्हाई यू मस्ट हैव अ गुड पेमेंट, यू मस्ट हैव अ गुड मैनेजमेंट, यू मस्ट हैव अ गुड प्लेस टू बी, यू मस्ट हैव अ इवन अ ट्रीटमेंट। या ये सर्कस मालिकों के लिए एक धन कमाने की मशीन मात्र बनकर रह गए। We are not happy with this circus. That's why management is bad. लेकिन यहाँ ऐसा भी एक शख्स है जो सर्कस में बहुत खुश है। दुनिया ने तो उन्हें नकारा, पर सर्कस ने अपनाया। केसर भाई एक जोकर है। उन्हें सर्कस के लोगों से बहुत लगाव है, क्योंकि जिस इज्जत और प्यार के हकदार हैं वो उन्हें सर्कस से ही मिलता है। इस मामले में वो खुद को खुशनसीब मानते हैं। मेरा काम कमेडी करता है, पब्लिक को हंसाना, इससे तो मेरे को बहुत ही खुशी मिलती है। बाहर की दुनिया से ये दुनिया मेरे को अच्छी लगती है कि बाहर की दुनिया में लोग खाली मजाक उड़ाते हैं, चलाते हैं। अगर काम मांगो तो काम भी जल्दी मिलता नहीं, और मिलेगा काम तो कहीं होटल फोटल में मिलेगा, तो वही करेंगे ये करो वो करो, वो सब नहीं। लेकिन उससे ये लाभ नहीं, दुनिया हमको अच्छी लगती है। लोग बहुत ही इज्जत देते हैं, मतलब ये नहीं एक बोना कह के या एक जोकर कह के या एक सब केसर भाई करके इज्जत देते हैं, मतलब सम्मान करते हैं। रहते रहते ये सब एक परिवार के जैसा हो गया है। हर कला का एक युग होता है और हर युग का एक अंत। सर्कस भी उसी तरह दशा और दिशा के अभाव से लगभग समाप्त होता नजर आता है। लेकिन उम्मीद पर टिकी ये दुनिया अलग अलग रूप में तब्दील होती रहती है और इसी तरह कला भी जिंदा रहती है। कलाबाजों की ये दुनिया भी कितनी अजीब है, जो हर दुख सहते हुए कलाबाजी का जुनून जिंदा रखते हैं और जिंदगी का हस्ता दर्पण दिखा जाते हैं।